सबको मेरा स्वरा भास्कर का नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ आमंत्रित किया। लेकिन मैं और कुछ कहने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे यहाँ होने में मुझे कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। मेरे यहाँ होने में सारा श्रेय सीकर के किसानों के संघर्ष और साथ ही अमरा राम जी के संघर्ष को मिलना चाहिए। देखिए, किसानों का कमाल कि बॉलीवुड को सीकर ले आया, क्या बात है। वैसे तो मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ, मैं हीरोइन हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने हीरोइन के रूप में या अभिनेत्री के रूप में नहीं आई हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक ऋणी के रूप में आई हूँ। और ऋण से बेहतर, मतलब ऋण के बारे में किसान से बेहतर कौन जान सकता है। मैं सबसे पहले इस मंच से देश के तमाम किसान भाइयों और बहनों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि इस देश के किसानों की वजह से मेरे जैसे बाकी देशवासियों को दो वक्त की रोटी नसीब होती है। बहुत बेसिक बात है, बहुत सिंपल आम बात कह रही हूं मैं, लेकिन ये इतनी छोटी आम बात आज लगता है केंद्र में जो सत्ताधारी है वो भूल चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें दोबारा याद दिलाया जाए, याद दिलाया जाए कि इस देश के किसान की मेहनत की वजह से मेरे जैसे शहरी जो होते हैं वो उत्सव मना पाते हैं, त्योहारों में पंगत लगा पाते हैं, पार्टियां कर पाते हैं। यहाँ जो युवा भाई बहन है वो जानते होंगे पार्टियों के बारे में। मेरे जैसी अभिनेत्रियां और अभिनेता, हीरो और हीरोइन, हम डाइट कर पाते हैं आपकी मेहनत की वजह से। और इसलिए मैं एक ऋणी के रूप में समझती हूं कि यह जरूरी है कि इस ऋण का धन्यवाद दिया जाए आपको। कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसा ऋण है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, और वो ऋण होता है बच्चे के ऊपर, माओ का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बच्चा माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं मानती हूं एक दूसरा ऋण है इस दुनिया में जो पूरे समाज पर है, पूरी दुनिया पर है, और वो है किसान की मेहनत का ऋण। ये ऋण भी आज तक कोई नहीं चुका पाया है। पूरी दुनिया का अन्नदाता होता है किसान। अगर देश हमारी माता है, अगर गैया हमारी माता है, तो मैं मानती हूं कि जो किसान है वो पिता से कम नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे प्लेट में रोटी रखता है उसे पिता ही कहेंगे ना। चलिए, पिता का ऋण हम चुका नहीं सकते, हमारे किसान भाइयों और किसान बहनों का हम ऋण, ये कर्ज ऐसा है कि ये कभी नहीं चुका सकते, चलिए मान लिया। लेकिन कम से कम पिता रूपी किसानों पर जुल्म तो करना बंद कर सकते हैं हम, हाँ कि नहीं। पिछले 10 साल में इस देश में हर साल 10,000 से 15,000 किसानों ने मजबूरन आत्महत्या करी है। ये मैं आपके लिए नहीं बता रही, ये मैं खुद को याद दिला रही हूं। मैं बहुत छोटी हूं, यहां बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, महान लोग हैं जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया है, साथ ही अमरा राम के जैसे, आप सबके जैसे यहाँ माएं बैठी हैं जिनका पूरा जीवन सेवा में निकल जाता है, चाहे वो खेत में मेहनत करें या वो घर के अंदर मेहनत करें। मैं बहुत छोटी हूं, मेरा ओहदा बहुत कम है आपके सामने, मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूं कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। मैं ये जानती हूं कि पाप क्या होता है, और अगर समाज में पिता रूपी किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो तो ये पाप है, ये घिनौना पाप है। एक किसान की आत्महत्या पाप है, हम यहां हजारों की बात कर रहे हैं। शर्म की बात यह है कि हमारी तमाम सरकारों को इस
ढोल घिनौने पाप से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, यहां पे जितने वक्ता आए बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इस मामले में सभी पार्टियां दोषी हैं, सभी सत्ताधारी पार्टियां दोषी हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके हाथ से क्या पाप हो रहा है। फर्क पड़ना तो दूर, सत्ता का बुखार ऐसा चढ़ा है इस सरकार को, केंद्रीय सरकार को, कि मंदसौर मध्य प्रदेश में इन्होंने किसानों पर गोलियां ही चलवा दी, 6 किसानों की हत्या करी है इन्होंने, खून है किसानों का इस सरकार के हाथों पर। ये सरकार हमें कहती रहती है कि गैया माता है, गैया माता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसान को क्यों सिखा रही है कि गैया माता है। किसान से बेहतर कौन जानता है कि गाय माता होती है। ये सरकार कहती है कि गौ हत्या पाप है। मैं कहती हूं कि किसान हत्या पाप है और पापी है ये सरकार। और इस बात को हमें याद रखना चाहिए इस चुनाव में। दोस्तों, हमें इस सरकार को याद दिलाना होगा कि जो हाथ हल चलाते हैं, अन्न उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, वो हाथ जरूरत पड़ने पर दिल्ली की छाती पे बैठ के उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पाई पाई का हिसाब भी ले सकते हैं। और 2017 के सीकर किसान आंदोलन में माननीय अमराराम जी ने और माननीय अमराराम जी के नेतृत्व में आप किसानों ने ठीक यही साबित किया कि हल चलाने वाले हाथ बिना गोली चलाए सरकार से अपनी बात मनवाने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं। 6 मई को यही मादा हमें चुनाव में, इलेक्शन में वोट देते वक्त भी दिखाना है। माननीय अमराराम जी ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर किसान के हकों के लिए संघर्ष किया है। जो सीकर का महापड़ाव था 2017 का, वो तो हाल की बात है। 1957 में अमराराम जी ने राजस्थान की विधानसभा में नारा लगाया था कि अगर किसान का कुआ नहीं चलेगा तो विधानसभा नहीं चलेगी। दोस्तों, उस नारे को याद करते हुए अब वक्त आ गया है कि अमराराम जी की बुलंद आवाज दिल्ली में संसद में गूंजे। वक्त आ गया है कि दिल्ली में बैठे सत्ताधारियों को हम ये बताएं कि अगर सीकर में पेयजल नहीं मिलेगा तो आपको किसानों का वोट नहीं मिलेगा। अगर सीकर में और देश में किसान को फसल का न्यूनतम भाव नहीं मिलेगा तो सत्ताधारी सरकार को किसान का समर्थन नहीं मिलेगा। अगर किसान का कर्ज माफ नहीं होगा तो इस सरकार के पाप माफ नहीं होंगे। सीकर ने पिछले कई चुनाव में अलग अलग सांसद चुने हैं और माफ कीजिए, सच कहें तो हर बार सीकर आपकी आस्था ने चोट खाई है। ये सच है ना? सच है ना? पर सीकर के प्रति साथी अमराराम जी की आस्था, विश्वास और दृढ़ निश्चय ने चाहे जितनी चोट खाई हो वो कभी डगमगाई नहीं है। अमराराम जी सीकर के प्रति, सीकर के किसानों के प्रति, सीकर के बाकी नागरिकों के प्रति अपने संघर्ष में, अपने जज्बे में अडिग रहे हैं। और चाहे चुनाव का जो चुनाव आते हैं जाते हैं, चाहे जो भी उसका रिजल्ट हो, इनके इनके हक में होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अमराराम जी आपके संघर्ष को, आपके पूरे जीवन में आपने जितने संघर्ष किए हैं, आज इस मंच से मैं शत शत प्रणाम करूंगी आपकी मेहनत को, आपके संघर्ष को। 2017 में सफल सीकर किसान आंदोलन में आपका सांसद न होते हुए भी अमराराम जी ने वो काम किया जो आपके सांसद को करना चाहिए था। आज भी इस चुनाव में और प्रत्याशी हैं, मैं यहां रहती नहीं हूं, आप उन्हें बेहतर समझते हैं, पर मैंने सुना है कि 2 प्रत्याशी काफी खास हैं। एक भगवा धारण करके सत्ता का आनंद ले चुके हैं,
अब वो भगवा के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो साथियों मैंने सोचा मैं भी भगवा धारण कर लूं, आज मैं भी भगवा धारण करके अमरा राम जी के नाम पे सीकर के नागरिकों से वोट मांग रही हूं। और मैं आपके भगवाधारी सत्ताधारी प्रत्याशी से ये जरूर कहूंगी कि भूखे पेट और सूखे खेत ना भजन होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। गीता में सिखाया गया है कि कर्म से बड़ा धर्म नहीं होता, और अमरा राम जी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उनका कर्म, उनके संघर्ष ही उनका उनका सबसे बड़ा धर्म है। एक दूसरे प्रत्याशी हैं, ये कमाल के हैं, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, ये हर अगले चुनाव में भूल जाते हैं कि कौन से पार्टी से खड़ा हुआ था मैं। कभी कहीं से खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं से खड़े हो जाते हैं। तो भाई मैं अगर सीकर में वोट दे रही होती तो मैं उन्हें दवाई देती, वोट नहीं देती। बाकी आप समझदार हैं। आज सीकर में बहुत बड़ा दिन है, आज सीकर में एक और बहुत महान शख्सियत पधारे हैं, बहुत महान नेता हैं ये, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, जलेबी की जगह ही बातें छानते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं। इनकी बातें सुन के अगर मुंह में जलेबी का स्वाद आ जाए और इनसे जलेबी रूपी नौकरियां मांग लो तो ये पकौड़ा थमा देते हैं। आज ये भी आए हैं यहां, आज ये आपसे कहेंगे पाकिस्तान, आप जवाब में बोलना किसान, आज ये आपसे कहेंगे जवान, आप जवाब में बोलना किसान। क्योंकि जो जवान, जिस जवान के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं, जो जवान इनकी सरकार के राज में शहीद हो रहा है सीमा पे, वो जवान भी किसान का बेटा है। पहले वो सीमा पे बलिदान देता है, त्याग करता है, अगर बच के घर आ जाए तो घर में सूखे के मारे और ऋण के मारे बलिदान देता है। यही सच्चाई है। ये महान नेता जो है हमारे, ये भारत की बहुत बात करते हैं, भारत को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इंडिया, भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनके सारे जो इनकी जितनी योजनाएं हैं उनमें इन्हें इंडिया याद आता है, तब इन्हें भारत याद नहीं आता। क्योंकि भारत ये है, भारत किसान है। पंजाब के बहुत महान कवि पार्श रहे, आप जानते होंगे उनका, उनकी एक कविता याद आती है, मुझे लगता है कि मोदी जी को ये कविता सुनानी चाहिए। उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं, आखिर की पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न लगता है, जहां सेंध लगती है। तो साथियों मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि 6 मई को आप सब, 6 मई को इस भारत को याद रखना। आप हैं ये भारत, अमरा राम जी हैं ये भारत। तो इस बार 6 मई को किसान को वोट दें, अमरा राम जी को वोट दें। इन 3-4 दिनों में आपको कई बार कई रंगों के नाम सुनाई पड़ेंगे, कोई भगवा कहेगा, कोई खाने के नाम लेगा, पकौड़े बोलेगा, जलेबी बोलेगा, कोई आम खिलाएगा। मैं कहती हूं उन्हें आम खाने दीजिए, आप अमरा राम याद रखिए। इस बार सीकर से एक ही आवाज उठे और एक ही मांग हो, और वो मांग हो रोटी, पेयजल, कर्जा माफी, रोजगार, मकान। किसान 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 किसान, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।